एक्टिवेट करेंगे उसके लिए मैंने लिया है एक चम्मच ईस्ट, एक चम्मच चीनी और हाफ कप गरम पानी। इतना गरम होना चाहिए कि आप उंगली डालें तो आपको गरम लगे। उसके बाद इसे मिक्स करके 10 मिनट के लिए साइड रख देंगे और इसमें बबल्स आ जाएगा। अगर बबल्स नहीं आता है तो आप इस रेसिपी को मत बनाइएगा, इसका मतलब आपका ईस्ट खराब है और ब्रेड नहीं बनेगा। उसके बाद हम एक बोल लेंगे और उसमें डालेंगे मैदा 2 कप। उसके बाद इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा नमक ज़्यादा ही डालेंगे। इसमें डालेंगे तेल 2 टेबल स्पून। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 अंडा। इससे ब्रेड और भी ज़्यादा फ्लफ़ी और टेस्टी बनेगा, बट अगर आप चाहें तो आप अंडा की जगह दही भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। उसके बाद वैसे ये चिकन वाला ही बन रहा है फीलिंग, तो फिर अंडा डालने में कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज ये नॉन वेजिटेरियन ही बन रहा है। उसके बाद आप देखिए ईस्ट एक्टिवेट हो गया है, इसमें पूरा अच्छे तरीके से बबल्स आ गया है और इस बबल्स को ये पूरा का पूरा इसमें डाल देंगे मैदा में। और फिर इसे अच्छी तरीके से हम गूंथ लेंगे, यानी मिक्स करके आटा के जैसे तैयार कर लेंगे और एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर देंगे। सो गाइस देखिए ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जा रहा है। अगर आपको लगे कि पानी कम हो रहा है और इसमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत है तो आप ऐड कर सकते हैं, बट दिस रेसिपी इज़ अप टू द मार्क। इसमें और कुछ एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे अच्छी तरीके से गूंथ के टाइट कर लीजिए। सो गाइस देखिए, और हाँ, जितना आप इसे अच्छे से गूंथेंगे ना उतना ज़्यादा ग्लूटेन डेवलप होगा और उतना ही अच्छा आपका ब्रेड बनेगा। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसे 10 मिनट्स तक अच्छे से मसाज दे और अच्छे से गूंथे और अच्छे से डो बनाए लाइक दिस। सो गाइस देखिए मैं कैसे खींच खींच के बना रही हूँ, खींच खींच के टान टान के इसका डो बना रही हूँ। इसे ऐसे ही प्रिपेयर करना है क्योंकि ऐसे प्रिपेयर करने से ब्रेड उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और उतना ही अच्छा उसमें जाली बनता है। सो गाइस मैं आगे और भी आपके लिए रेसिपी लाने वाली हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। और इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, इसे कवर करके हम रख देंगे 2 घंटे के लिए और देखिएगा ये फूल के डबल हो जाएगा साइज़ में। आइए गाइस तब तक हम चिकन बना लेते हैं और ये देखिए इसे कवर करके रख देते हैं। चिकन बनाने के लिए एक पैन में हम थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइंड तेल डालेंगे और उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच जीरा। आप शाही जीरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ नॉर्मल जीरा डाला है। उसके बाद मैंने डाला है इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे प्याज, मैंने 3 मीडियम साइज़ का प्याज को चॉप कर लिया है अच्छी तरीके से, मैंने चॉपर में चॉप किया है ना इसीलिए बहुत अच्छे से चॉप हो गया है। और उसके बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे और प्याज को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। सो गाइस मैं आपको एक टिप देती हूँ, जब भी आप ऐसे ब्रेड वाली फीलिंग बनाए ना तो उसमें प्याज की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखिए, इससे टेस्ट थोड़ा ज़्यादा उभर के आता है। अगर आप वेजिटेबल्स वाली बना रहे हैं या पनीर वाले बना रहे, एनी फीलिंग मशरूम वाली बना रहे, कोई भी फीलिंग आप बना रहे तो प्याज का क्वांटिटी ज़्यादा रखें, बस कहने का मतलब यही है ना। उसके बाद इसमें हम डालेंगे चिकन मिन्स किया हुआ यानी कीमा, और इसे यहाँ पे मैंने 250 ग्राम क्वांटिटी यूज़ किया और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और कम से कम 10 मिनट तक इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। सो गाइस इससे क्या होगा ना, चिकन अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा और चिकन कुक होने के बाद इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये दिखेगा भी कि हाँ कुक हो गया है, दिख रहा है आपको। अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और इसे भी अच्छी तरीके से भून लेंगे 2-3 मिनट के लिए। तो क्या होगा ना, चिकन का कुक होने का प्रोसेस और भी जल्दी हो जाएगा और चिकन ऑलमोस्ट कुक हो चुका है, और जो कि ये चिकन कीमा है तो ये बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है। अगर चिकन के बड़े पीसेस होते हैं तो कुक होने में और टाइम लगता। और गाइस इस तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम सॉसेस वगैरह डालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 2 चम्मच मैदा डाल रहे हैं क्योंकि हम बना रहे हैं वाइट सॉस। सो गाइस वाइट सॉस ये थोड़ा थिक वाला बनेगा, तो मैदा डाल के हम इसे इस तरीके से भून लेंगे जिससे मैदा का कच्चापन निकल जाएगा
बेसिकली व्हाइट सॉस बनाने का टेक्निक ये है कि चिकन काफ़ी ड्राई है, तो अगर इसे हम थोड़ा सा मतलब ड्राइनेस हटा के थोड़ा लिक्विडी करेंगे तो ज़्यादा यम्मी डिलीशियस लगेगा, थोड़ा चीज़ी लिशियस लगेगा। तो इसमें मैंने 1 कप मिल्क डाला है और इसे अच्छी तरीके से हम चला लेंगे। तो मिल्क जो है ना मैदा की वजह से बहुत ही क्विक थिकन अप हो रहा है। मैंने यहाँ पे वीडियो को तेज़ नहीं किया है, ये मिल्क ही है कि बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जा रहा है, क्योंकि हमने 2 चम्मच मैदा डाला है ना, तो मैदा ने मिल्क को बहुत अच्छे से थिक कर दिया। अब इसमें मैंने डाला है सोया सॉस, टमेटो केचप, चिल्ली सॉस, और मैंने इसमें डाला है विनेगर, और इसमें मैंने डाल दी हूँ अजीनोमोटो, MCG पाउडर और ओरिगेनो, और साथ ही साथ मैं इसमें चिल्ली फ्लेक्स भी ऐड कर रही हूँ। सो बेसिकली गाइज मैंने यहाँ पे सब कुछ 1 टेबल स्पून डाला है। और हाँ, जब आपने नमक डाला ना तो आपने थोड़ा सा कम नमक डालना है, क्योंकि इतने सारे सॉसेस वगैरह ना उसमें बहुत नमक रहता ही है, तो ऐसा ना हो कि नमक बहुत एक्सट्रीम ज़्यादा हो जाए। और फिर उसके बाद इसे हम मिक्स करेंगे, चलाएंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और अच्छी तरीके से भून भी लेंगे। ऐसा नहीं कि सॉस डालने के बाद इतना ही गीला रहेगा, इसे ड्राई ही करना है, बट टेस्ट काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है जिस प्रोसेस से मैं चल रही हूँ, तो आप इसे ट्राई ज़रूर करना। और ये ऑलमोस्ट रेडी है गाइस, अब इसे हम कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए वापस से भून लेंगे, एंड जो चिकन की फीलिंग है ना वो तैयार है। और आपको मैं मैदा भी दिखाती हूँ कुछ देर में, मैदा डबल साइज़ हो गया है और अच्छी तरीके से फूल गया है, तो जितनी देर में हमने चिकन बनाया उतनी देर में मैदा भी अच्छे से सेट हो गया है। सो गाइस देखिए इसे अब हम भून लेते हैं फाइनल, और इसका कलर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, देखने में काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, और बस ये होके रेडी है। राइट गाइज, तो चलिए अब मैदा देखते हैं। मैदा देखिए कितना ज़्यादा फूल गया है ना, अब इसे भी हम थोड़ा सा मसलेंगे, ज़्यादा नहीं, और इसकी लोइयाँ काट लेंगे फटाफट। सो गाइज इसकी इस तरीके से लोइयाँ काट लेंगे। अब उसके बाद हम इसे ग्राउंड राउंड करेंगे और इसे ना इस तरीके से प्रेस करेंगे। और देखिए मैंने चीज़ लिया है यहाँ पे मोज़रेला चीज़, तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे चिकन, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे हाथ से, आपको बेलन की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद इसके ऊपर हम चिकन डालेंगे। सो गैस चिकन की फिलिंग के बाद इसमें हम खूब सारा मोज़रेला चीज़ डालेंगे, अगर आप चाहें तो इसमें प्रोसेस चीज़ भी डाल सकते हैं। मोज़रेला चीज़ से क्या होगा ना, जब आप ब्रेड खाएंगे तो वो ऐसे खिंचाएगा, तो वो खाने में और टेस्टी लगता है। और ऊपर से हम सिसमें सीड डाल देंगे, यानी कि सफ़ेद तिल, इससे बहुत ही अच्छा लगता है चिकन बन, और खाने में टेस्ट भी आता है, स्वाद भी आता है, और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। सो गाइज इतनी क्वांटिटी में, इतनी रेसिपी में मैंने टोटल 7 बर्न्स बनाए हैं, और सबका साइज़ मीडियम है, और इसे मैंने OTG में बेक होने के लिए रख दिया है। पहले मैंने OTG को प्री हीट किया 220 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद मैंने इसे बेक किया है फॉर अराउंड 60 मिनट्स। और गाइज देखिए ये चिकन बर्न्स जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है, और अब इसे हम बाहर निकालते हैं, और गाइज इट इज़ लुकिंग सो डिलीशियस। बट हाँ, स्टार्टिंग में ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहेगा, बहुत कड़ा रहेगा, बट जैसे ही रूम टेम्परेचर में आएगा ना, ये ब्रेड एकदम सॉफ्ट और एकदम मुलायम, बहुत टेस्टी सा हो जाएगा। सो गाइज आपको ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करनी चाहिए, और अब इसे मैं टेस्ट करके भी बताती हूँ आपको कि ये कैसी है, देखने में आपको कैसी लग रही है, आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप मेरी रेसिपी को ट्राई करेंगे कि नहीं वो भी मुझे बताइएगा, और अगली अगर आपको कोई अपनी मनपसंद रेसिपी देखनी है तो मुझे नीचे कॉमेंट करके बताइएगा, मैं उसे ट्राई करके आपको ज़रूर से ज़रूर दिखाऊंगी गाइज। बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू ईट इट। अब आप भी सामने हैं। सो गाइस कैमरा के पीछे ये भी खा रहे हैं और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो ये बहुत बहुत ज्यादा डिलीशियस है गाइस। सच में इसका जो चीज है ना वो ऐसे मेरे, मैंने जब इसको बाइट किया ना तो ऐसे चीज आ गया पूरा, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। सो गाइस ये एक्सप्रेशन देख रहे हो कितना ज्यादा टेस्टी बना है, हमारे एक्सप्रेशन से पता चल रहा होगा, तो आप ही देर मत कीजिए, जल्दी से रेसिपी ट्राई कीजिए। सबसे अच्छी बात है आज मेरा डिनर है। मुझे बोल रही है सॉरी यार, ये डिनर में मतलब भाई किसी किसी को मिलता है ये डिनर। और डिनर के बाद डिजर्ट में है बास्क्यो चीज की। आपका डिनर तो हमारा लाजवाब हो गया। ऑसम ब्रेड कितना अच्छा बना है ना, बहुत शानदार, एंड दैट टू घर का बना हुआ फ्रेशली बेक, ऐसा कहाँ मिलेगा। जो गाइस आप भी रेसिपी ट्राई कीजिए, हम तो इसे एंजॉय कर रहे हैं।
टिल देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड्स, दूर दूर के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये रेसिपी सबके साथ शेयर करनी चाहिए। बाय 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 बाय। Often.